देश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के पहाड़ी हलके की पंचायत क्योरी में इन दिनों पेयजल संकट आ चुका है। पंचायत के आधा दर्जन से ज्यादा गांवों के लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बीते 20 दिनों से आधा दर्जन से ज्यादा गांव के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों के लिए कोई ट्यूबवेल की सुविधा नहीं है, विभाग द्वारा ग्रामीणों को पानी देने के लिए ट्यूबवेल की भी सुविधा है, लेकिन ग्रामीणों को पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने दो टूक शब्दों में आईपीएच विभाग नालागढ़ को चेतावनी देकर कहा है कि अगर जल्दी पेयजल की किल्लत दूर न हुई तो वे आने वाले दिनों में आईपीएच विभाग नालागढ़ के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी आईपीएच विभाग नालागढ़ की होगी। इस बारे में जब हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने कहा कि बीते 20 दिनों से उनके गांव में पानी नहीं आ रहा है और उन्हें बारिश का पानी एकत्रित कर पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आधा दर्जन से ज्यादा गांव के लोगों गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जिसके चलते क्षेत्र में बीमारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने आईपीएच विभाग से जल्द पानी की समस्या को हल करने की गुहार लगाई है। नालागढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कौन सा गांव पड़ता है आपका? क्या समस्या जी? पानी की समस्या है जी, हमारे को हमारे पानी नहीं आता, ना तो पब्लिक स्टैंडों में आता ना ही घर वालों नलके में आता। बिल हम ऐसे भरते फ्री का, हम पानी लाते हैं गाड़ियों में लाते हैं मोटरसाइकिलों में लाते हैं, हमारे को कोई पानी नहीं दे रहे पानी वाले। हमने बहुत कोशिश की, फोन भी किए और दफ्तर वालों को भी कहा, पानी वालों को भी कहा, कोई नहीं हमारा के वार्ड पंच के पास गए या ऑफिस गए या तो उन्होंने फोन किए सबको, कोई हमारी समस्या का हल नहीं निकाल रहा। तो क्या चाहते हैं आप? हमारे को पानी चाहिए, हमारे को पानी चाहिए गुरुकुंड वाला था जी, गुरुकुंड से। हाँ जी हाँ। अब क्या समस्या है, अभी क्यों नहीं आ रहा वो पानी? पता नहीं क्या किया, बंद कर दिया हमारा पानी, वहाँ का पानी दे दिया, वहाँ का पानी हमारे को मिल नहीं रहा। कौन सी जगह से दिया अभी? पहाड़ी से। वहाँ का पानी आपके पास नहीं पहुँच पा रहा? नहीं पहुँच रहा। सरकार से क्या अपील करते हैं? सरकार से भी यही अपील करते हैं, हमारे को पानी चाहिए, नहीं दे रहे पानी, वहाँ का पानी मिल रहा। हमारी यही अपील है कि हमारे को गुरुकुंड वाला पानी दिया जाए। हमें आज न्यू जगर स्कीम जो हमारी बनाई गई, उसमें जगर, डोरा, बैली और पपड़ोई, हमने इसमें मार्च महीने के कुछ 12 तारीख को हमारा लॉकडाउन है उसके तहत तो मैंने इसको कंप्लेंट की 1100 नंबर पे। पहले ही मैंने उसको, मेरे पास एक कॉपी पड़ी है सारी, मैंने खुद SDO ऑफिस में जाके राम शहर इसकी कॉपी दी कि हमारी जो स्कीम है इसको कंटिन्यू चलाया जाए और जो हमारे को पहले पानी जो गुरुकुंड से आता था उसको बंद किया गया, उसको भी चलाया जाए ताकि अगर इधर से पानी ना तो उधर से हमारा पानी मिल सके। लेकिन आज तक हमारा ना तो 1100 नंबर पर कोई समाधान हुआ, ना SDO जी साहब ने, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो बोलते हैं हमने पानी देखा उस स्कीम में पानी नहीं है। अगर स्कीम के अंदर पानी तो 80 लाख रुपये स्कीम के ऊपर खर्च हुआ तो क्यों किया, किसने पास किया? 550 पैप ग्रेविटी का जो छपरू में से उस स्कीम में डाला गया पंप हाउस में, और 550 पैप उसमें डाला गया तो कितने लाखों रुपए का पैप है, उसमें एक भी बूंद पानी की नहीं आई। लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दे रहा, वो बिल्कुल चालू है। अब डिपार्टमेंट यहाँ आता है, आते हैं खा पी के यहाँ से चले जाते हैं, कोई भी यहाँ तक आज अवसर नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ तक। आज मेरे से निवेदन सरकार से है, जब वोट लेने तो सब आते हैं, लेकिन हमने ठाकुर साहब से बात की, राणा साहब से बात की, हमारे को किसी पार्टी ने या किसी भी विधायक ने हमारे साथ कोई सहयोग नहीं किया। दूसरा नंबर। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? हाँ जी जग्गो। कौन सा गांव जी? हाँ, क्या समस्या आपकी जी? पानी की समस्या। आपकी डिवीजन कहाँ पड़ती है जी पानी की? राम शहर। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? फिर असं कहते भी सानू पानी छड़े, असं तो पड़तालें का पानी पी रहे, भांडे भी उदन मांज रहे, नहाते भी उदे नाल, बाकी बर्तन भी उदन मांजते, बाकी फिर जे असी उन्होंने कहते स्कीम वालों भी तुम सानू पानी छड़ो, वो कहते थोड़ी स्कीम पर असी नहीं, वह कहता मैं नहीं, वह कहता मैं नहीं हाँ। बाकी फिर अज 5-6 दिन हो गए कहें भी मोटर खराब आ, भी असं पानी कितने तो छड़िए, कहें फिल्टर कहते भी तुम पानी कहते नहीं छड़ते, बस फिर उन्हें उदड़ आ जाता पानी, जिदन वो कहें फिल्टर, बाकी उसके बाद कोई पानी नहीं आता साढ़े। असं कहें भी सानू पानी छड़े, पानी छड़ा सानू, बाकी असं 30 दिन पानी मजदूर करता, सानू 30 दिन भी पानी दे नहीं रहे हो, अज 15 दिन हो गए पानी आए नू 20 दिन, हाँ जी कोई पानी नहीं आता साढ़ा। हाँ जी, नाम है जी आपका? सवित्रा देवी। हाँ, तो कौन सा गांव है सर? डोरा।
क्या समस्या है आपकी? सर पानी की समस्या है। कौन सी डिवीजन पड़ती है आपकी? पानी हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं, क्या दिक्कत है? सर पानी की समस्या है सर, महीना महीना पानी नहीं आता हमारे। आज 20 दिन हो गए पानी नहीं आया। कभी बोलते हैं मोटर सड़ गई है, कभी बोल रहे हैं कि वहाँ से पीछे से लाइट नहीं है, और ना ही आ रहे हैं फीटर। हम रामशहर में 3-4 बार जा चुके हैं, वहाँ से भी 2-4 दिन पानी ठीक आता है, फिर उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। जब स्वर्गीय हरि नारायण जी थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया का नंगल वाली लाइन आपको देंगे पानी, तो आज दिन तक हमें वो पानी नहीं मिला। अगर सर वो जिंदा होते आज तो हमें पानी की समस्या नहीं होनी थी। आज हमें वैसे बैठे हैं यहाँ पर डोरा में जैसे जेल में बैठे हैं। सर जेल वालों को भी पानी टाइम टू टाइम सब कुछ मिल रहा है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। ये परवाड़ी वाली लाइन का हम जायजा दे आपको, तो इसमें सिर्फ चूना है सर, वाइट इसमें चूना लग जाता है। सुबह देखो, शाम को भरो, सुबह ऐसा पानी हो जाता है। तो हम ऐसा पानी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहें। हम पत्थरियाँ थोड़ा बनाएंगे इससे पेट। हमारे तो वैसे तो 3 दिन बाद आता है, हमें 3 दिन के लिए दी है सप्लाई, तो आज तो 20 दिन हो गए सर। 20 दिन से ऐसा ही होता है। गर्मियों में भी, गर्मियों में तो चलो मान लेते हैं कि पानी की कमी होती है। आज तो बरसात है सर, आज भी हम छत का पानी पी रहे हैं, छत का ही पानी यूज कर रहे हैं बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए। सर 20 गाँव हैं। अच्छा, तो 20 घर है। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।